नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस बार मैं आपको ले चलता हूँ उत्तराखंड के एक बेहद ही खूबसूरत गांव मुनस्यारी में। यहाँ पर ब्रेथ टेकिंग व्यूज, पंचचौली पीक्स और स्नो कवर्ड माउंटेन्स ने हमें एक अलग ही दुनिया का एहसास कराया था। इस सफर में मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरे 5 दोस्त भी थे। तो आइए शुरू करते हैं मुनस्यारी के एक खूबसूरत सफर को और एक्सप्लोर करते हैं वहाँ की ब्यूटी को। सो गाइस, अभी हमें ओतीबाग में और निकल रहे हैं यहाँ से निर्माण विहार के लिए। अभी एक राइडर कपल को हमने ले लिया है और एक को हमें पिक करना है, तो बस उसी लिए जा रहे हैं हम आगे। ओके गाइस, आप देख रहे हो आगे दो बाइक्स हैं, दोनों कपल बैठे हैं। तो अब हम निकल चुके हैं फाइनली निर्माण विहार से और लेट हो गए इस बार, बट कोई नहीं, अभी पहली बार जा रहे हैं। कुछ लोग जैसे मतलब ये लोग जो हैं अमन और मिंकू, ये लोग पहली बार जा रहे हैं बाइक पर, ऐसे इस वाली बाइक पर एक्चुअली। वैसे वो लद्दाख जा चुका है मेरे साथ में। सो गाइस, यहाँ पर एक सीन हो चुका है, राइड स्टार्ट भी नहीं हुई और पंक्चर हो चुका है तो ही पंक्चर लग रहा है बाइक में। वाह, क्या स्टार्ट हुआ है। सो अभी हमने हापुड़ क्रॉस कर लिया है, बाकी अभी हम रुकेंगे ढाबे पर। ढाबा आगे दिख ही रहा है और ठंड काफ़ी ज़्यादा है। चलो जी, एक ब्रेक तो हमने ले लिया है, आ गए हैं यहाँ पर। सुबह तो ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब निकल रहे हैं हम यहाँ से। हम हापुड़ के थोड़ा आगे थे तो यहाँ पर ये है राजा जी हवेली, यहाँ रुके थे हम और अब यहाँ से जा रहे हैं हम आगे। तो देखते हैं कहाँ देंगे ब्रेक आगे। तो एक हमारे साथ है यस जी, एडीबी और दो वर्सेस। अभी हम 3 लोग हैं और 3 लोग आगे जाएंगे। बाकी बताओ हेलमेट कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना। तो चलो चलते हैं आगे। अभी हम मुरादाबाद सिटी के बाहर कहीं रुके हैं हाईवे पे, और ये देखो भाई साहब भीड़ लग गई यहाँ पर, स्पेशली एसडी के लिए, क्योंकि ये क्योंकि लोग कह रहे हैं कि एसडी जो है वो पठान मूवी में थी, तो सारे उसको देख कर के फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। यहाँ पर भीड़ लग चुकी है पूरी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कर रहे यार, आपके साथ। आ जाओ भाई साहब, तो सेलिब्रिटी बन चुके हैं। और यहाँ से जो भीमताल है वो रह गया है 8 किलोमीटर और कैची धाम रह गया था 27। तो हम भीमताल पर रुकेंगे थोड़ा फ़ोटो वोटो के लिए, फ़ोटो सेशन के बाद निकलेंगे हम कैची धाम, और अगर हम टाइम से पहुँचते हैं तो हम कैची धाम दर्शन करेंगे। सो अभी आ चुके हैं भीमताल और पीछे आप देख सकते हो भीमताल लेक, और यहाँ पर क्या ठंड है यार, गज़ब ठंड है। अब जाके मौसम अच्छा हो रहा है और यहाँ से अराउंड 19 किलोमीटर पे है कैची धाम मंदिर। और ये देखो भाई सब लोग, बड़े भाई के चैनल को चलाओ तो बस निकलेंगे यहाँ से आगे कैची धाम के लिए। उसके लिए भी लगेगा आधा घंटा या 45 मिनट, रोड के हिसाब से देखेंगे ट्रैफिक कितना है। वैसे मुझे लगता है कि यहाँ पर रोड भी चौड़ी है थोड़ी और ट्रैफिक की साइड कम है, तो टाइम से पहुंच जाने चाहिए। फिर वहाँ पर आधा 1 घंटा रुक करके कुछ खाएंगे भी, क्योंकि हमने लंच अभी तक नहीं किया। ऐसे 23 माइलस्टोन दिख गया है, मैं 15-20 समझ रहा था, पर ठीक है अप्रॉक्स आइडिया हुई है 23 किलोमीटर यहाँ से, तो पहुँच जाएंगे आधे घंटे में। Hey guys, welcome back to another day। तो कल हम अल्मोड़ा पहुँचे थे रात को 8 बजे, क्योंकि ट्रैफिक था, ट्रैफिक के बाद हम आगे चले, तो मतलब ऐसे ही रहा था कि पैचेस ख़राब आ रहे थे, सही आ रहे थे, और हम लेट भी से पहुँचे थे क्योंकि डिनर हमने 6:30 बजे कर लिया था कल, बहुत जल्दी कर लिया था हमने। सो इसका एक बेनिफिट ये था कि होटल जा करके वहाँ पर डिनर का जो सीन था वो ख़त्म कर दिया था मैंने, कि टेंशन नहीं होगी कि अगर लेट भी पहुँचे तो
एटलीस्ट हमें पानी की टेंशन नहीं रहेगी, खाना खा के चले थे हम सुबह उठ करके तैयार होकर के निकल चुके हैं आगे। आज हम जाने वाले चकोरी, ज़्यादा ट्रैवल करेंगे भी आराम से जाएंगे बिल्कुल एकदम टाइम नहीं करके, वीडियो शूट करते हुए फोटोज क्लिक करते हुए, और उसके बाद वहाँ रुकेंगे आज। तो अभी हम रुके हैं यहाँ पर एक चीना भोजनालय के लिए, वहाँ रुके हैं। तो बस अभी यहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे फिर निकलेंगे। साथ में आ रहे अभी भाई, हेलो, मज़ा आ गया, गजब, बहुत मज़ा आ गया था। बाकी सब लोग पीछे बैठे हैं वहाँ पर और ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं, भूख लग गई काफ़ी ज़्यादा। अमन भाई, कैसा आपका एस डी का एक्सपीरियंस? मेरा एस डी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत कंफर्टेबल बाइक है और कुछ शॉक्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, बहुत कंफर्टेबल बाइक है, लॉन्ग रन है, एकदम जैसे हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं वैसे एकदम अच्छा फील आता है। तो सो गाइस, ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं अब आगे चकोरी के लिए, और अभी धूप है अच्छी खासी ठंड के साथ में, तो इतना ठंड जो है वो फील नहीं हो रही है। सो गाइस, कुसानी पहुँच चुके हैं और यहाँ पर रुक करके अब देखेंगे कोई पॉइंट जहाँ पर हम बाइक लगा के थोड़ा फोटो सेशन, थोड़ा रेस्ट, कुछ भी बोल लो, वो सब करेंगे और बस उसके बाद निकलेंगे आगे चक्कर। वाओ, गाइज अभी चकोरी रह गया है 14 किलोमीटर और पूरा अंधेरा हो चुका है। टाइम लेकिन अभी ज़्यादा नहीं हुआ, 6:30 हो रहे हैं, मेरे ख्याल से 25 मिनट लगेंगे मैक्सिमम में पहुँचने में चकोरी। अभी आबादी रही। सो गाइस, ये है दीपक होम स्टे और रूम मैंने आपको दिखाया नहीं, बट रूम अच्छा है, आप पुरानी वीडियोस में देख सकते हो जाकर के। बाकी अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से और हमारा पहला जो स्टॉप लेने का प्लान है वो है बिरथी फॉल का, जो कि यहाँ से है 62 या 63 किलोमीटर्स। पहुंच चुके हैं बिरथी फॉल, बिरथी वाटरफॉल्स। चलो लगाते हैं बाइक साइड में। ओए होए होए होए, नज़ारे। बिरथी वाटरफॉल्स उत्तराखंड के मुंसियारी के पास एक 400 मीटर ऊंचा बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। यहाँ पर हिमालय पीक्स और जंगलों में घिरे होने की वजह से ये बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है। थोड़ा सा ट्रैक करके आप इस वाटरफॉल्स के थोड़ा करीब भी जा सकते हैं
और बारिश के टाइम में तो इसका नज़ारा बेहद ही खूबसूरत हो जाता है। गाइस मृत्यु बाबू करते हैं टाटा बाय बाय और चलते हैं बाइक पर, निकलते हैं मुंशी यारी जो कि यहाँ से है 32 किलोमीटर बस। ठीक है, ऑल सेट ऑल सेट। ओए होए ये देखो भाई साहब, ओए क्या जबरदस्त है। सो गाइस ये है खलिया टॉप का गेट, यहाँ से ट्रैक जाता है खलिया टॉप का और यहाँ पर भी ऊपर जाकर के एक बेस कैंप आता है जहाँ पर आप टेंट भी रुक सकते हो और कॉटेजेस बने हुए हैं। तो ये है यहाँ का लोकल फूड जिसमें दाल, पनीर, सैलेड, ये पालक की भुर्जी और ये मिक्स वेज। तो इन्होंने लोकल फूड और यहाँ के जो लोकल फूड है और जो नॉर्मल फूड होता है, रेगुलर फूड जो होता है, उसको मिक्स करके एक थाली बना के दिया हमें। तो बस यहाँ सारे बैठे हैं खाना खाने के लिए, चलो खाना खाते हैं फिर। तो हम जा रहे हैं अभी नंदा देवी मंदिर जिसका रास्ता यहाँ मार्केट के आगे से निकलता है। भाई यार तो दिन में भी अच्छी खासी ठंड है, मज़ेदार एकदम। मंदिर सीधा है, मंदिर मंदिर ये डब मार्केट है, तो यहाँ से सीधे जाना है। तो गैस मुंशियार से आगे मार्केट से आगे 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पेट्रोल पम्प पड़ता है, तो अगर आपको पेट्रोल फिल करवाना है यहाँ पर तो आपको नीचे आना पड़ेगा इस साइड पर। नंदा देवी मंदिर मुंशियारी से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। नंदा देवी को पहाड़ों की शक्ति और देवी का रूप माना जाता है। नंदा देवी का यह मंदिर पहाड़ की एक चोटी पर बना हुआ है जहाँ से पंचचौली पीक का नज़ारा बहुत ही सुंदर और बहुत पास नज़र आता है। इसी वजह से ये मंदिर में सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं टूरिस्ट भी बहुत आते हैं। तो अगर आप मुंशियारी आते हैं तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए।